this is a beautiful event, a beautiful day as well, which has encouraged the citizens of Glasgow to come over and participate in the activity. We are thankful to the Consul General of India for coming over and putting his sincere efforts in making this event a successful. How happy I'm seeing two teams, India and Pakistan, playing. Beautiful crowd with the youths and sisters and brothers are here. I welcome everyone and good to see all happy and smiling. And I hope we will continue having these sort of matches in this area. ऐसे event more organized होने चाहिए. It can be a big event for the bring the two community together. And we have also have history of Glasgow. Our both community, Indian and Pakistani, always together. And we never ever have any problem. But this kind of event bring us more together on the coming generation. And I like to thank Dr. Siklan Sahab and other organizers and big days and all other people whoever could do something. Especially I like to mention UCARE, who has done the great job to organize this. सबसे पहले तो मैं यूकेयर एक चैरिटी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में हेल्थ रिलेटेड और एजुकेशनल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही है. उसने ये एक इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, उसका हम शुक्रगुजार हूँ. और मैं आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू इंडियन काउंसिल जनरल मिस्टर ऑस्कर कैरकटा फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम एडिनबरा. ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दोनों मुल्कों में बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान और इंडिया में. तो बेसिक थीम ये था कि इस खेल के थ्रू कम्युनिटीज़ को कनेक्ट किया जाए. आई एम सो ग्लैड दैट द ग्लास्गोजियंस दे हैव टर्न्ड अप टुडे एंड दे हैव कम विद देयर फैमिलीज. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में ये इवेंट रेगुलर तौर पर मुनक़द होगा और पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ग्लासगो के अंदर इस खेल के थ्रू कनेक्ट भी रहेगी और प्रोग्रेस भी करेगी. लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं, ये बड़ी अचीवमेंट की बात है और काफ़ी सारा क्रेडिट जाता है हमारे कौंसल जनरल इन ग्लासगो फ्रॉम पाकिस्तान इन टेकिंग द इनिशिएटिव, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर के दोनों कम्युनिटी को मिलाने की कोशिश की है. एक या दो मैचेस इधर होने चाहिए बिकॉज स्कॉटलैंड का वेदर भी इस तरह का है. मैच भाई बहुत मज़ा आ रहा है देख के, ठीक है. हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी यासिर अरफात भाई भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ. मतलब बिल्कुल ईजी हो के मिले हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. मैच भी बहुत अच्छा चल रहा है, पाकिस्तानी बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे हम लोग. और खाकर भी बहुत मज़ा आया. आज तो आम पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई यहाँ पे. वाकई पाकिस्तान की याद आ गई है, यकीन करो. ऐसे लग रहा था जैसे किसी पाकिस्तान के स्टेडियम में बैठ के जो है मैच देख रहे हैं. नहीं, पाकिस्तान में भी इतना मज़ा नहीं आना था जितना यहाँ. बहुत अच्छा एम्बियंस था और बहुत अच्छा लाइवली ये सारा इवेंट था, बहुत मज़ा आया. और स्पेशली बड़ी जेनरसली इन्होंने जो है वो मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन किए और बहुत मज़ा आया. मैच बहुत अच्छा लग रहा है. आम शाम खाते बहुत खाते हैं, मज़ा वाला है. ठीक वाला, ठीक. और की कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं, और मेहरबान जिन्होंने इंतज़ाम किए थे, बहुत अच्छा इंतज़ाम है. बहुत अच्छा, यानी इंतज़ाम है, बड़े अच्छा. असं इंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट का बड़ा मज़ा आ रहा है.
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹੀ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਬ ਸ਼ੰਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। It was amazing. The first half was great. I hope the match picks up now because it's getting really slow. Do you think we should have more of these matches, India-Pakistan friendly games? Definitely, yeah. Did you go to the stalls? Yeah, I went to the stalls, but I wanted to come back to miss a match. I really wanted to see the match today. And what's your name? Maniba. Maniba, what do you want to say? We're enjoying match. It's good. अच्छा लगा है अपने पाकिस्तानी है तो देख के दिल खुश हुआ। Really good raising a lot of money for charity and it's a good way of everyone coming together and the community coming together. But I think it's a great way to raise money. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں آج کا جو ایونٹ ہوا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایونٹ ہوا ہے جو یو کیئر نے آرگنائز کیا ہے کلائزل کرکٹ کلب نے۔ تو اس طرح کے ایونٹ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اس طرح ان کا ایک باہمی پیار محبت بھی بڑھتا ہے اور ایک ہمارے دونوں کمیونٹی کے درمیان ایک جو رشتہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm absolutely delighted to be here at Clydesdale Cricket Club supporting this fantastic event being put together by the UCARE Foundation and also by both the Pakistan Council General and the Indian Council General, bringing our community together in Glasgow to celebrate each other's company, to celebrate cricket and to also raise money for a really, really important cause. Sir, bahut acha lag raha hai. Cricket ka match hai. Kabhi kabhi enjoy hota hai, aisa din aata hai. सब इंजॉय कर रहे हैं, घर से निकले हैं, देखें इंजॉय करें, खाना स्टॉल्स लगे हुए हैं, सारे यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हुए हैं। Thank you very much. We are very humbled and honored to have the presence of your company here. Ladies and gentlemen, a big hand for Syed Ajmal, please. Now, the man of the match, presents up, could you please? A big hand for this young boy. Thank you. I'd just like to say thank you for everybody who organized today. Congratulations to Pakistan. It was a very, very good game of cricket, one of the best I've played in, and fantastic organization, and hopefully we made some money for charity as well. And I just want to thank all my players who've come from all over Scotland to play today and perform very, very well. A big cheer for the Indian team. First of all, I would like to congratulate the Indian team for putting such a nice show. I think the Pakistani team will have a chance next year. This Scottish Asian Gala is a yearly event. So thank you very much for all of you who are here. Thank you, Sohan Singh Saab, for galvanizing the Indian community, and all the chief guests, especially Hanif Raja Saab, who's been instrumental as a local councillor. Thank you, Glasgow.